दर्शकों नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पत्र दर्शक सुविचार माला के साथ। दर्शक सुविचार माला जीने की राह के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। सर्वप्रथम नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। दर्शकों अभी आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां, आइए अब आपको रूबरू कराते हैं समाचारों से। वडाली वन परिक्षेत्र में अब तक सिर्फ तेंदुए ही देखे गए थे, लेकिन अब इस वन क्षेत्र में पीले पट्टेदार शेर के अस्तित्व पर भी आधिकारिक मुहर लग गई है। वन अधिकारी ने ठोस हवाला देते यह जानकारी दी है कि वडाली वन परिक्षेत्र में पट्टेदार शेर भी है। नागरिक यहाँ जाए ही ना तो ही बेहतर होगा, वरना परिणाम बड़े खतरनाक हो सकते हैं। वन विभाग के हवाले से सिटी न्यूज द्वारा यह जाहिर अपील की जाती है कि कोई भी वडाली वन परिक्षेत्र में ना घूमे, वरना परिणाम बड़े गंभीर हो सकते हैं और डरावने भी। वडाली वन परिक्षेत्र में एक दो नहीं बल्कि 8 से ज्यादा तेंदुए हैं, यह स्पष्ट हो चुका है। वन विभाग के कैमरों में भी यह तेंदुए बेखौफ घूमते और शिकार करते कैद हो चुके हैं। तेंदुओं के भय से जंगली सुअर या कुत्ते के झुंड वडाली वन परिक्षेत्र से दूर निकल गए हैं, लेकिन विगत 5 दिनों से अब तक अनायास ही दिखाई पड़ने वाले तेंदुए भी नजर में नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों? तो इस क्यों का जवाब है जंगल के असली राजा का डर। जी हाँ, वडाली वन परिक्षेत्र में अब तक तेंदुए ही दिखते थे, अब खुद वन अधिकारी ने यहाँ पट्टेदार पीला शेर देखा है। शेर जंगल का राजा है, राजा के इलाके में तेंदुआ तो दूर परिंदा भी पर नहीं मारता, और यही वजह है कि तेंदुए शेर के अस्तित्व को भांप कर कहीं लुप्त हो गए हैं। वो जंगल में है जरूर, लेकिन शेर से सुरक्षित स्थान पर। इसलिए अब जनता से जाहिर अपील है कि जंगल में ना जाए, वरना परिणाम बड़े खौफनाक हो सकते हैं। तेंदुए तो कभी भी इंसान का शिकार नहीं करते, लेकिन शेर छोड़ते नहीं है। शहर के दत्तूवाड़ी स्थित 6 घर HFEM के स्टेडियम की दीवार आंधी तूफान में गिरने से धराशायी हो गए और एक झटके में ही यह 6 परिवार रास्ते पर आ गए। लेकिन इन पीड़ितों के लिए राहत की खबर है, इन परिवारों के घर HFEM सुधार कर दे रहा है। तब तक के पर्यायी व्यवस्था की जिम्मेवारी भी HFEM ने संभाल रखी है। बुधवार को HFEM के स्टेडियम की दीवार आंधी तूफान ने ताश के पत्तों की तरह ढा दी और यह विशाल दीवार कहर बनकर गिरी दत्तूवाड़ी के उन 6 घरों पर, जो एक झटके में मलबे के ढेर बन गए। यहाँ रहने वाले परिवार अचानक ही बरसे इस कहर से रास्ते पर आ गए। ये हादसा देखने वाले भी कुछ देर तक सहम गए थे। इस तबाही के बाद अब क्या? इस सवाल का जवाब देने HFEM आगे आया है। 18 लाख के खर्च से यह मकान फिर खड़े किए जाएंगे और तब तक इन परिवारों के पोषण और निवास की पर्यायी व्यवस्था भी श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक संस्था संभालेंगी। इस खबर से उन पीड़ितों को बड़ी राहत मिली है जिनके आशियाने घर का पूरा सामान मलबे के ढेर में बदल गया था। जी घटना झाली नैसर्गिक आपत्तीमुळं आणि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाच्या स्टेडियमची जी भिंत आहे ती पडली, त्यामुळं आजूबाजूचे जे घर आहे त्यांचं नुकसान झालं आणि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ शहरातील काही घटना घडली तर पहिले धावून येते। हे तर आपलेच लोक आहे, त्या ज्या लोकांचे नुकसान झालं आहे त्या लोकांना जेवण्याची व्यवस्था 4-5 घरातील लोकांना सगळ्यांना
त्यांची राहण्याची व्यवस्था, त्यांची निवासाची व्यवस्था, त्यांचं भोजनाची व्यवस्था सगळी झाली आणि हे सगळं मनमा साफ करत आहे आणि त्याची घरदुरुस्ती वगैरे रिपेअरिंग सुरू होणार आहे लवकरात लवकर. कॉन्ट्रॅक्टर आहे आणि व्यायामशाळा तर नेहमी अशा कार्यामध्ये अग्रेसर असते. मंडेरामध्ये जेव्हा झोपड्या जळाल्या होत्या तेव्हा 8 दिवस त्यांना हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळातर्फे मोफत जेवणाची व्यवस्था आपण केली होती. हे तर आपल्या दूरचं काम होतं, हनुमान व्यायाम शाळेत धावून जाते, पण हे तर आपल्या शेजारचं काम आहे. शहर के सराफा स्थित जेपी कोठारी ज्वेलर्स से 14 लाख रुपयों के गहने चोरी करने वाले 4 शातिर चोरनियों की निशानदेही पर पुलिस ने और 3 लाख रुपयों का सोना मालेगांव के सराफा व्यापारियों से रिकवर कर लिया है. पहले तो ये शातिर चोरनिया और चोरी का माल खरीदने वाले व्यापारी पुलिस के जांच को भटकाने में लगे थे, लेकिन पुलिस के दंडों ने सच्चाई उगलवाई. पहले 3 लाख और अब 3 लाख, ऐसे कुल 6 लाख का माल अब तक पुलिस ने रिकवर कर लिया है. मामले की जांच अभी जारी है. मालेगांव गया पुलिस दल शहर वापसी के लिए रवाना हो चुका है. अमरावती महानगर पालिका के आयुक्त अरुण डोंगरे का तबादला हो गया है. उनकी जगह चंद्रकांत गुठेवार, इन्हें अमरावती का नया निगम आयुक्त बनाया गया है. वे संभवतः सोमवार को मनपा पहुंचकर पद ग्रहण करेंगे. अब तक चंद्रकांत गुठेवार ग्राम विकास मंत्रालय में कार्यरत थे. उनकी पहचान कर्तव्य दक्ष और सिंघम अधिकारी के रूप में है. अमरावती को ऐसे ही अधिकारी की जरूरत थी. चंद्रकांत गुठेवार भ्रष्टाचार के प्रखर विरोधी बताए जाते हैं. गुरुवार को जिले के राजपत्रित अधिकारी संगठन ने संभागीय आयुक्तालय पर धरना प्रदर्शन कर अपनी भूमिका रख न्याय मांगा. सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के साथ उनके दफ्तरों में असभ्य बर्ताव होता है. इस दुर्व्यवहार के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग करते इन राजपत्रित अधिकारियों ने धरना दिया तथा न्याय मांगा. महाराष्ट्र विकास सेवेतील अधिकाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे. महाराष्ट्र विकास सेवेतील पंचायत समिती घाटंजली येथील गटविकास अधिकाऱ्यांवर मारहाणीचा प्रयत्न झालेला आहे. तसंच पंचायत समिती खामगाव येथील गटविकास अधिकारी श्री पी आर वाघ यांच्यावर सुद्धा विधिमंडळामध्ये चर्चा आणि निलंबनाची कार्यवाही करण्याचे प्रस्तावित आहे. या घटनेचा निषेध म्हणून आज आम्ही माननीय विभागीय आयुक्त यांना निवेदन सादर करणार आहोत आणि निवेदनामध्ये अशा ज्या घटना आहेत ह्या घटना होऊ नये यासंबंधी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत त्यांना विनंती करणार आहोत. गुरुवार की दोपहर एक दुपहिया सवार युवती ने जिलाधीश दफ्तर के सामने से जा रहे दुपहिया को धड़क दे मारी. धड़क के बाद इस युवती के तेवर देखने लायक थे. सब पर यह युवती बरस पड़ी थी. शुक्रवार की दोपहर 12 बजे जिलाधीश दफ्तर के सामने से जा रहे UP65AK9131 क्रमांक वाले दुपहिया ने विरुद्ध दिशा से आ रहे MS27BA2621 क्रमांक वाले दुपहिया को धड़क दे मारी. धड़क देने के बाद अपनी गलती मानने के बजाय दुपहिया चालक युवती के जो तेवर थे वो देखने लायक थे. इस धड़क में दुपहिया सवार शख्स घायल हो गया है. उसे अस्पताल रवाना कर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है. इस युवती के तीखे तेवर देख पुलिस भी कुछ पल स्तब्ध रह गई थी. शहर के सांसकोर मैदान पर लग रहे विभागीय कृषि विकास प्रदर्शनी का काउंटडाउन शुरू हो गया है. अब से चंद पलों बाद देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे तथा शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री के हाथों कृषक कार्यशाला का उद्घाटन होगा. अमरावती नगरी में पहली बार विभागीय कृषि विकास प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है. इस आयोजन की तैयारी अब अंतिम चरण में है. बुधवार के आंधी ने इस तैयारी में रोड़ा डाला था. भारी नुकसान यहाँ हुआ, लेकिन जो हुआ वो भूलकर सारे नए सिरे से काम पर लग गए थे और प्रदर्शनी की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू की गई. अब यह तैयारी अंतिम चरण में पहुंच रही है. अब से चंद पलों बाद यानी शुक्रवार की दोपहर देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस विभागीय अभूतपूर्व कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे. तत्पश्चात शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री के हाथों इस प्रदर्शनी के कार्यशाला का उद्घाटन होगा, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है. अब नजर डालते हैं आज के कार्टून कोना पर. देखते हैं आज हमारे व्यंग चित्रकारों ने किस वस्तु स्थिति पर व्यंग बानों का पान चलाया है.
अब आरी मौसम समीक्षा की देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल। तो दर्शकों आपके बुलेटिन में बस इतना ही। बुलेटिन के अंत में देखेंगे एक बार फिर बुलेटिन की सुर्खियां। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर साथ अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 257032। हमारा वेबसाइट एड्रेस www.citynews.net.in। ताजातरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।